हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इस यूट्यूब चैनल में। और हम बात करने वाले हैं बेहद ही इम्पोर्टेंट रिपोर्ट को लेकर के। तो आइए इसके एक एक पॉइंट को देखते हैं और समझते हैं, क्योंकि यहां से निश्चित है कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2020 को लेकर के, जिसका आयोजन 20 फरवरी के दिन किया गया। कहाँ पर? तो मुंबई में। इस बात को हम ये भी कह सकते हैं कि DPIFF अवार्ड 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मुंबई में 20 फरवरी के दिन। यह जो पुरस्कार है, यानी कि DPIFF अवार्ड जो है, भारतीय सिनेमा का एक उत्कृष्ट पुरस्कार है। अब हम जानेंगे टोटल, यानी कि पूर्ण रूप से जो लिस्ट जारी किया गया है, उस लिस्ट को हम देखेंगे। यहाँ हम बात करेंगे दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2020 के विनर लिस्ट की। जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया इसमें किसे? तो सुपर 30 को। सुपर 30, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में IIT कंपटीशन इंस्टीट्यूट है, जिसके संस्थापक हैं आनंद कुमार, तो उन पर फिल्म आया गया था। और इसमें अभिनय किसने किया है? तो ऋतिक रोशन ने। और ऋतिक रोशन की ही मूवीज़ है, और इस मूवीज़ को दिया गया है बेस्ट फिल्म का अवार्ड। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया किसे? तो ऋतिक रोशन को। अब नीचे देखेंगे कि बेस्ट प्रोमिसिंग एक्टर किसे दिया गया? तो किच्चा सुदीप को, ठीक है। बेस्ट प्लेबैक सिंगर, यानी कि मेल पुरुष के लिए किसे चुना गया? तो अरमान मलिक को। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल, यानी कि महिला किसे चुना गया? तो तुलसी कुमार को। बेस्ट टीवी सीरीज किसे चुना गया इस फिल्म फेस्टिवल में? तो कुमकुम भाग्य को बेस्ट टीवी सीरीज चुना गया। अब नेक्स्ट पॉइंट को भी देखेंगे हम। यहाँ बात करेंगे मोस्ट फेवरेट जोड़ी इन टीवी सीरीज किसे चुना गया? तो श्रीति झा और शब्बीर अहलूवालिया को। मोस्ट फेवरेट टीवी एक्टर किसे चुना गया? तो हर्षद चोपड़ा को। बेस्ट टीवी एक्ट्रेस किसे चुना गया? तो दिव्यांका त्रिपाठी को। बेस्ट एक्टर इन टीवी सीरीज किसे चुना गया? तो धीरज धूपर को। बेस्ट रियलिटी शो किसे चुना गया? तो बिग बॉस 13 को। मोस्ट फैशनेबल बिग बॉस 13 कॉन्टेस्टेंट किसे चुना गया? तो माहिरा शर्मा को। बेस्ट एक्ट्रेस वेब सीरीज किसे चुना गया? तो दिया मिर्जा को। बेस्ट एंकर किसे चुना गया? तो मनीष पॉल को। अब नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे। यहाँ बात करेंगे हम कि बेस्ट डिजिटल फिल्म किसे चुना गया? तो योर्स ट्रूली को। डीकेड स्टार 2020 किसे चुना गया? तो अनुपम खेर को। बेस्ट पेपराइज ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो मानव मंगलानी को। यहाँ पर कुछ इमेज भी आप देख सकते हैं दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2020 की। कुछ ये इमेज है जो कि जारी किया जा चुका है। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।